गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी आपके इंग्लिश की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। लेसन वन अभी हम लोग कर रहे हैं, इसमें लेटर्स जो कि लेटर्स एंड वर्ड्स से रिलेटेड है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लेट्स डू हम लोगों ने किया है, तो 1, 2, 3, 4, 5 आज हम लोग 6, 7 और 8 करेंगे। तो 6th में देखिए, 6th में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द ऑड वर्ड्स, फाइंड द ऑड वर्ड एंड अंडरलाइन इट। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो अलग है और ग्रुप में अलग है उसको हम फाइंड करना है और उसको अंडरलाइन करना है। और जैसा कि एक किया गया है आपके लिए, लेकिन इसमें किया गया नहीं है, बताया गया है लेकिन है नहीं किया गया है, हम लोग खुद करेंगे। तो देखिए 6th को देखते हैं पहले हम लोग। 6th जो है, ये वर्ड को अगर हम पढ़ते हैं तो वर्ड है हैंड, लैंड, सैंड, फाइंड। हम ध्यान देते हैं तो हमको नजर ये दिख रहा है कि साउंड के अकॉर्डिंगली इसको जो है हम अंडरलाइन करेंगे, फाइंड करेंगे। ऑड वन कौन है, अकॉर्डिंगली साउंड, साउंड के हिसाब से देखिए हैंड, लैंड, सैंड, सब जो है एक जैसा साउंड आ रहा है। जबकि लास्ट वर्ड है फाइंड, फाइंड जो है, फाइंड में क्या है, अलग वाई साउंड है। देखिए ये रहा आपका फाइंड, हैंड, लैंड, सैंड, फाइंड, हैंड, लैंड, सैंड, ये तीनों का एक जैसा साउंड है जबकि फाइंड का अलग साउंड है। तो ये फाइंड हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए दूसरे में बी में स्पून, डोर, मून, बून। देखिए सब स्पून हो या मून हो या बून हो, सब में ऊ का साउंड आता है फर्स्ट लेटर के बाद, लेकिन डोर, डोर में ओ का साउंड आता है। तो ये डोर क्या है, ऑड वन है। सी को देखिए, पियर, टीयर, बियर, पेयर, ये तीनों ई ए आर लगा हुआ है तीनों में, और ये चौथा ए आई आर है, तो ये ऑड वन हो गया। उसके बाद डी को देखिए, बार, तार, वार, कैट, इस तीनों में ए आर है और इसमें ए टी है, इसमें आ का साउंड आ रहा है, इसमें ए का साउंड आ रहा है ए से, तो ये कैट जो है ऑड वन हो गया। उसके बाद देखिए कैप, लैप, कार, टैप, कैप, लैप, टैप, एक जैसा साउंड है, ए किस का साउंड आ रहा है जबकि कार ए से आ का साउंड आ रहा है, तो ये एक कार जो है ऑड वन है। जैसे कि देखिए बोर्ड पे देखिए इसको हमने लिखा है, ये पहला में हैंड, लैंड, सैंड के बाद क्या है, फाइंड है, फाइंड का साउंड अलग है इन ग्रुप में, तो फाइंड को हमने लिखा। बी में स्पून, डोर, मून, बून, स्पून, मून, बून, तीनों का साउंड एक है जबकि डोर अलग है, तो डोर को हमने लिखा। उसके बाद सी में पियर, टियर, बियर, पेयर, देखिए साउंड में भी डिफर है, पेयर और पियर दोनों फ़र्क है, तो स्पेलिंग भी डिफर है और स्पेलिंग भी डिफर है और साउंड भी डिफर है, तो पेयर जो है ये आपका क्या होगा, ऑड वन है। उसके बाद डी देखिए, डी में है बार, तार, वार, कैट, कैट का साउंड अलग है इन सब से, तो कैट को हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए कैप, लैप, कार, टैप, कैप, लैप, टैप, एक जैसा साउंड है जबकि कार डिफरेंट साउंड है, तो कार को हमने लिख दिया। अब 7th को देखते हैं हम लोग। 7th देखिए क्या कह रहा है, लेट्स नो, हमें जानना है, व्हेन वी राइट वर्ड बाय ड्रैगिंग देम इनटू द करेक्ट एबीसी ऑर्डर, इट इज कॉल्ड अल्फाबेट ऑर्डर। जब हम किसी वर्ड को एक ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे कि हम ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, इस तरह से लिखते हैं, तो उसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। तो हमें जो है इन सब को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जैसे देखिए डॉल है,
चैन है, बेड है, एस है। तो सबसे पहले क्या आता है ए बी सी डी में, एस आता है, तो पहले एस को लिखेंगे, उसके बाद बेड को लिखेंगे, उसके बाद कैन को लिखेंगे, फिर हम पहले एस को लिखेंगे, फिर बेड को लिखेंगे, फिर कैन को लिखेंगे, फिर डॉल को लिखेंगे यहाँ। उसके बाद इसमें बी में देखिए एप्पल पहले होगा, उसके बाद चेरी होगा, उसके बाद ग्रेप्स होगा, उसके बाद मैंगो होगा लास्ट में। उसके बाद इसमें देखिए कॉट है, कॉट यहाँ आएगा, लाइन यहाँ आएगा, नेट यहाँ आएगा, वल्फ यहाँ आएगा। उसके बाद डी को देखिए, डी में पंकज, अमन, रितु, मोनिका। तो अमन सबसे पहले यहाँ आएगा, उसके बाद मोनिका यहाँ आएगी, उसके बाद पंकज यहाँ आएगा, और लास्ट में रितु यहाँ आएगी। ठीक है, अब नीचे देखिए मैच मैच ईच पिक्चर टू द वोवेल विद विच इज विच इट्स नेम बिगिन विद। यहाँ कुछ लेटर दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, इन सबको हमें मैच करना है। तो देखिए बोर्ड पे हम लोग देखते हैं, पहले को सेवेंथ को एक बार हम और समझ लेते हैं। देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए कहा जा रहा है, तो हमने क्या 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 था इसमें, ए में क्या था, डॉल था, कार, कैन था, बेड था, एस था। हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस, बेड, कैन, डॉल करके लिख दिया। बी में देखिए मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, चेरी, ये वर्ड था, इसको हमने लिख दिया एप्पल, चेरी, ग्रेप्स, मैंगो। सी में देखिए वल्फ, नेट, लाइन, कॉट था, तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉट, लाइन, नेट, वल्फ कर दिया। उसके बाद डी था पंकज, अमन, रितु, मोनिका। हमने इसे अमन, मोनिका, पंकज, रितु इस ऑर्डर में लिख दिया। अब हम लोग एट को देखते हैं, एट में क्या है, लेटर दिया हुआ है, उस लेटर को उस फोटो से मैच करना है, टू द वोवेल रीजन। और सारा ये जो है जितना ये वर्ड लेटर दिया हुआ है ये सारा वोवेल में है, इस मैच करना है। ए, ए से क्या होगा, एप्पल, तो हम यहाँ ऐसे कर देंगे। ई, ई से क्या होगा, एलिफेंट, तो हम यहाँ ऐसे कर देंगे। आई, आई से क्या होगा, इंकपॉट, तो इंकपॉट यहाँ ऐसे कर दिए। उसके बाद ओ, ओ से क्या होगा, ओनियन, ओनियन, तो हम ऐसे कर दिए। यू, यू से क्या होगा, अम्ब्रेला, तो हम अम्ब्रेला ऐसे मैच कर दिए। ठीक है, समझ में आए ये आज का के लिए आपका इतना ही, और आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे, तो आज के लिए आपका क्लास खत्म होता है। थैंक यू।